दोस्तों अज छुट्टी है तो अज आप निकले हैं एक नवे साइकिल सफर ते। ये साढ़े कंडी एरिए भट्ठिया की धरती है। तुसी पिछे देख रहे हैं भट्ठा। तो अज आप जा रहे हैं बीबी मुमताज़ की समाध तक। दोस्तों रोपड़ की ये बेल्ट तुसी भट्ठिया की धरती कह सकते हैं। आ सामने तुसी पथेर देख रहे हैं। समुची बेल्ट है दूर दूर तक। तो आ सूरज दे चढ़न का नज़ारा। तो दूर हवा तुसी धुआं देख रहे हैं दूर दूर तक चिमनिया। भट्ठिया की बेल्ट है भट्ठिया की धरती है। तो वातावरण वास्ते हार्मफुल है गल कह लो। खेत लगातार डाकर मिट्टी है। ये खेत डूंगे हो जा रहे हैं खेत। तो पैसे दे खुणों लालच च लोग मिट्टी चकाई जा रहे हैं। परंतु यह वातावरण के अगेंस्ट है गल जांदी। हाँ जी सियाल साहब हाँ साहब हाँ जी हाँ जी हाँ जी अज फिर किधर की तैयारी है जी? अज हीरा जी तुसीं अज नवा रूट पाया है हुण देखदे हैं। इत्थों आपां ने जाणा नदी क्रॉस करनी है। नदी क्रॉस करके नदी क्रॉस आपां उस तों बाद फिर दोस्तों रोपड़ तो मसई 10 किलोमीटर आके असी हुण ऑफ रोड राइड ते हैं। बरसाती नदी ते जंगल का माहौल है। सड़क के दोनों पासे तुसी जंगल देख सकते हो। हाँ जी वीडियो बन रही थोड़ी। संघना संघना जंगल आ गया दोस्तों। पूरा संघना जंगल है इस वेले दोस्तों। जंगल की पगडंडी चो असी अगे वध रहे हैं।
हाँ जी नहीं बिल्कुल सो इधरले पासे नाल खेतीबाड़ी बोलो ना उस तो जंगली मुर्गा जा रहे भाई हो बड़ा सर ऐसा भाजी बैग तो नहीं जान लग गए आप बैग जान लग गए लगता हंगाले वालों दोस्तों जंगल च राह भट गए असी देखो हूँ कितने जाके निकलते हैं हाँ जी हाँ जी चलो उस वाह ही है हाँ देखो जी जंगल के नजारे सत्याल साहब चढ़ते हुए आ देखो दूर तक जंगली चो संघने जंगल का माहौल दरख्त झाड़ियाँ तुम देख रहे हो हम साढ़े सिरों नाल खेंदे हुए जाले बहुत है सत्याल साहब किवें महसूस कर रहे नवें रूट ते नहीं नेड़े आ गए आप सड़क के नेड़े ही आ गए आप पिंड भंगाला कालूवाल भोलो निहद वास्ते जाए जंगल ये जी हाँ हो जी आ गए जी आ गए लो दोस्तों आ गए मुड़ के अभी जंगल चो रोड से किदा रहे सत्याल साहब जी आ देखो इतों शायद देख नेड़े करके आ सारी साइकिल जाले ने भर गई मेरी और मूँह मत्था सारा जाले ने भर गया देखो आनंद का पूरा असी सानू इन्नी देर हो गई साइकिल चलाते हैं पर आ ट्रैक ही नव एक्सपीरियंस होया ठीक है जी थैंक यू पठिया की धरती पहला भी आप दिखाया सी थोनू कि रोपड़ की इस बेल्ट बड़ी गिनती चिट्ठां दे पठे लगे हुए हैं सीधा सीधा जी इहदा पिछे नू बैक है
ਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੈਂਬੋਜ਼ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਬੋ ਸਟਰੀ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਬਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਚਾਰ ਹੈ ਬੰਨੇ ਹੋਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਲੌਜਿਕ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਸਾਂਭ ਲਏ ਤੁਸੀਂ? ਨੌਰੰਗਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਟਾਈਪ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ, ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਸਾਡਾ ਰੋਪੜ। ਆਓ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਡਾਊਨ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਬਾਂਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ, ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਾਂਸ ਇੱਥੋਂ ਸੋਧ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬਾਂਸ ਦਾ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬਾਂਸ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਹਵਾ ਪੂਰੀ ਠੰਡੀ ਠਾਰ ਹੈ,
संघने जंगल का दृश्य है। सो बने रहो चैनल दे नाल, कर लो शेयर सबसक्राइब ते लाइक अजिहां होर वीडियोज़ देखने लई। थैंक यू।